कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई, जहां केंद्र ने हाईकोर्ट को वैक्सीन लगाने की पॉलिसी बदलने की बात कही है। कार्यालय में याचिकाकर्ता सुनील गुप्ता ने मीडिया को जानकारी दी। इधर सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वैक्सीन मिलने पर राज्यों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से वितरित की जाएगी। राज्यों को अपने स्तर पर वैक्सीन के इंतजाम नहीं करना होंगे, हर राज्य को लगातार आपूर्ति होती रहेगी। इस जवाब पर याचिकाकर्ता के द्वारा रिजाइंडर पेश किया गया है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता सुनील गुप्ता की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ गुप्ता ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने अंतरिम आवेदन भी पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि निजी अस्पतालों को 25% वैक्सीन दिए जाने की व्यवस्था को बंद किया जाए। उक्त जानकारी याचिकाकर्ता सुनील गुप्ता ने MG रोड स्थित अपने कार्यालय पर आज दोपहर को मीडिया के सामने दी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व में जो हमारे द्वारा याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चल रही थी, उसके अंदर केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा जो जवाब आना थे वो दोनों जवाब आ गए हैं। और केंद्र के द्वारा जो है अपने जवाब में बताया गया है कि जो पूर्व में उनकी जो वैक्सीन को लेकर नीति बनाई गई थी, उस नीति को उन्होंने चेंज कर दिया, बदल दिया। अब वो नीति भी हमारे समक्ष आ गई है। अब वो नीति को पढ़ के विधि अनुरूप हम उसमें रिजेंडर पेश करेंगे और फिर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, या तो हमें प्रेस पिटिशन में जाना है क्योंकि नीति पूरी नई बन चुकी है तो प्रेस पिटिशन में जाएंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी है, अभी मैंने उसकी नया वैक्सीन पॉलिसी को पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसमें अभी भी जो पूर्व में उनकी जिस चीज को लेके हम न्यायालय में गए थे 25% रिजर्वेशन को, वो उन्होंने अभी नहीं हटाया, वो अभी एज इट इज। यानी जो मुद्दा था वो अभी मुद्दा अभी भी जज करता है, बिल्कुल वो मुद्दा अभी उन्होंने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। कमी की बात करें तो वैक्सीनेशन की कमी तो आज भी बनी हुई है। रोज वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पे बुलाया जाता सबको, और एक दिन पहले खबर आ जाती है कि भाई वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन नहीं आ पाई है, इसके लिए स्थगित किया गया हमारा सेंटर। और आज तो पूरे इंदौर में सभी सेंटरों पे जो है वैक्सीन खत्म हो गई है। तो अभी हाल फिलहाल जो 25% वाला रिजर्वेशन वाली नीति है वो आज भी ठीक नहीं हो सकती है। नीति में अगर है वो तो 25% वाला रिजर्वेशन ठीक नहीं। इसको लेकर रिजेंडर अभी हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज या कल में हम रिजेंडर पेश करेंगे, फिर जैसा न्यायालय हमको उच्च न्यायालय मार्गदर्शन देगा। यह तो क्योंकि ये वो प्रिडिशन इंस्ट्रक्चर्स भी हो सकती है, क्योंकि वो पूर्व पॉलिसी को लेके थी और अब नई पॉलिसी आई है, नई पॉलिसी को लेके हो सकता है हमें फ्रेश पिटिशन में जाना पड़ा, तो फ्रेश पिटिशन की तैयारी करें। कब तक वो अब अगली सुनवाई 2 या 4 दिन के अंदर उन्होंने जितनी भी सब कनेक्टेड मैटर एक साथ लगाए हैं उस दिन डिसाइड होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।